अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। हमारे शामी कबाब फ्राई हो रहे हैं और बिरयानी भी दम पे लग चुकी है। इट्स 6 इन द मॉर्निंग और हमने शामी कबाब सारे रेडी करके एक डिश में निकाल लिए हैं और यहाँ बिरयानी को भी हम एक डिस्पोजेबल डिश में निकाल रहे हैं। ईद इज़ सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट वे इन US। अभी हम ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं और साथ में अपने बिरयानी और शामी कबाब लेके जाएंगे। एवरी पर्सन ब्रिंग्स डिफरेंट डिशेस और आफ्टर ईद नमाज सब मिलकर फूड इंजॉय करते हैं। इस ट्रेडिशन को मैंने फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर एक्सपीरियंस किया था जब मैं ईद की नमाज़ पढ़ने गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग आए होते हैं और मिलके नमाज़ पढ़ने के बाद एक सोशल गैदरिंग होती है और आपस में मिल बैठकर एक दूसरे के ट्रेडिशनल फूड को टेस्ट करते हैं। आपने इतनी परफेक्ट क्वान्टिटी कैसे रखी? है, आपने मुझसे सीखा सब कुछ ना। इसको मैं तारीफ समझूं या इतनी क्वांटिटी में स्पाइसेस का बैलेंस रखना बहुत मुश्किल। ये काम मेरे सुगर हस्बैंड ही कर सकते थे। वी जस्ट गॉट फ्री फ्रॉम किचन और अब मैं जल्दी जल्दी से अपना मेकअप कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड भी ड्रेसअप हो रहे हैं। We want to be there on time as always. अभी टाइम हो रहा है 7:07 और हमने ईद की नमाज पढ़ने जाना है 8:00। अभी तो हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। ये वाली बैंगल्स मेरे ड्रेस के साथ मैच तो नहीं करी लेकिन मैं फिर भी जरूर पहनूंगी। फाइनल टच। आई थिंक आई एम लुकिंग गुड। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी मेहंदी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। मैंने लगाई थी और ये मेरे हस्बैंड ने। काफी रिजेम्बलेंस है। नॉट बैड। ही डिड अ गुड जॉब। मस्जिद जा रहे हैं अब हम ईद की नमाज पढ़ने। उसके लिए मैंने दुपट्टा प्रॉपरली ले लिया है और बस अब हम निकल रहे हैं। ऑर्गेंजा का दुपट्टा है तो इसको थोड़ा सा कैरी करना भी मुश्किल है। और हाई हील्स पहन के कदम भी फूंक फूंक के रखने पड़ते हैं। अच्छी जो रेड लाइट टर्न होगी येलो में तो फिर चलेंगे। नहीं यहाँ ऐसा बंद हो जाता है, बंद वो भी पीछे चला गया। यहाँ अमेरिका में स्कूल बस को बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है। इफ द बस स्टॉप यू हैव टू स्टॉप अंटिल द बस स्टार्ट्स टू मूव। कोई पढ़ सकता है इस पे क्या लिखा हुआ है? ये वाला था। ये अच्छा, तो इस पर तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ। लिखा कोई मेंशन नहीं है कि मस्जिद कौन सी क्या नेम है। चांद सितारा बना हुआ है। अच्छा बस ये ही इसका साइन है। हाँ नहीं लिखा हुआ था भाई इस पे, वो गायब हो गया। अच्छा अब ना कुछ और लगा दिया है शायद। देखा ना इस्लामिक सेंटर।
अब हम आ चुके हैं मस्जिद के बाहर एंड इट्स 5 मिनट्स अवे फ्रॉम आवर होम। सलमी भी आएगी। अच्छा Oh, I forgot to take off my shoes. Assalamualaikum, walaikum assalam. मस्जिद के एक सेक्शन में मेल्स हैं और इस वाले सेक्शन में तमाम फीमेल्स हैं। अभी बहुत ज़्यादा रश नहीं है, लोग ग्रेजुअली आ रहे हैं। मोस्टली यहाँ पर अभी अरब कंट्रीज के लोग हैं। हस्बैंड क्या काम कर रहे हैं? मेरे हस्बैंड सर्जन है। और जहाँ पर फीमेल्स हो और वहाँ चिट चैट ना हो, ये हो नहीं सकता। अभी नमाज स्टार्ट होने में कुछ टाइम है, सो आपस में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। ईद की नमाज कंप्लीट हो चुकी है, नाउ एवरीबॉडी इज ग्रीटिंग टू ईच अदर। स्क्रीन पर आप मेल सेक्शन को भी ग्रीट करते देख सकते हैं और इमाम मस्जिद अच्छा भी मौजूद है। और यहाँ एक अरब बंदी कुछ स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं आफ्टर ईद नमाज। Can I make a clip of this? Yeah, sure. That's a basket of sweets. Thank you. To take off the dress. Girls usually are the opposite thing. They want to dress up. She's like, can I take it off? Can I take it off? I'm so bad at taking pictures. I forget to take pictures. Then you know all the families overseas like, where are the Eid pictures? I'm like, oh, okay, wait. We are in PJs right now. Is that enough? But I'm very keen to take pictures. So do you drive now? Yes. Yeah, alhamdulillah. I just got the license 2 weeks back. 2 weeks. Good for you, because you know driving is ABC in the United States. Well, back in Syria, if you don't drive, it's okay. You use public transportation. But here in the States, no public transportation. It's just like... Exactly. It's, I was saying to my husband, now I will take you everywhere. Yeah. यहाँ हम सब लाइन में लगे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर फूड स्टॉल्स हैं और यहाँ अमेरिका में हर जगह पर आपको लाइन में लगना पड़ता है। इवन आप किसी ऑफिस में हैं, किसी एयरपोर्ट पर हैं या फिर आप किसी शॉपिंग मॉल में हैं और बहुत ज़्यादा रश है। और इवन के एक बार मैं एयरपोर्ट पर थी तो वहाँ पर वॉशरूम के अंदर गई तो वॉशरूम के अंदर भी लाइन लगी हुई थी। We are back to home. मैं ट्राई कर रही हूँ शीर खुरमा और ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है। मेरे हस्बैंड ने बनाया है, इनफैक्ट हम दोनों ने मिल के बनाया है लेकिन उनका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा था। तो खैर मैं अभी टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। वाह, बहुत मज़े का। ये पेंटिंग मैंने खुद बनाई है ईद मुबारक की। इसके ऊपर मैंने बहुत ही कलरफुल सा मून बनाया है, इट्स अ हाफ मून। देन दीज आर सम कुकीज, ब्राउनीज एंड चिप्स एंड माय फेवरेट कैंडल्स, सम जूस। और ये भी मैंने खुद से बनाया है, दिस इज हैंडमेड। ये मैंने खुद नहीं बनाया, ये मैंने परचेज किया है। और ये सारी बलून्स की डेकोर। और यहाँ लिविंग रूम की एंट्रेंस पे मैंने ईद मुबारक का पूरा
बलून्स के साथ डेकोरेट किया है. दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. ये है जी हमारा लिविंग रूम. टाइम हो रहा है 11:30 इन द मॉर्निंग और मेरे हस्बैंड और मैं ईद की नमाज़ जैसे ही पढ़ के आए हैं. हमने खाना खाया है और उसके बाद मेरे हस्बैंड को आज ऑफिस जाना था क्योंकि यहाँ पर तो के कोई ईद की कोई हॉलीडे या कोई ऐसा सीन नहीं होता है. क्लिनिक डे है आज, उनका पेशेंट्स देखते हैं और ऑन कॉल भी हैं तो वो तो फौरन ही ऑफिस चले गए हैं लंच करने के बाद. और मैं जो हूँ अब घर पर हूँ, थोड़ा सा बोर होंगी लेकिन इट्स ओके, मैनेज तो करना पड़ता है. जी जनाब, आज का मेरा ईद व्लॉग आपको कैसा लगा है? इफ़ यू लाइक माई टूडेज व्लॉग प्लीज़ लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. टेक केयर, ईद मुबारक एंड अल्लाह हाफिज़.